इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और इन्होंने डिफेंस स्टडीज़ लिया हुआ, सीधे सीधे ये हमारे फायदे देने में आएगा क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के आपादन हो गए। तो उनसे उसी बात हम जी ये बताइए, आपने फर्स्ट जो प्रेफरेंस दिया हुआ है जी वो ब्रिटिश करेक्टर का दिया हुआ जी, और उसके बाद आप सीधे सेकंड नंबर पर ट्रेजरी अफसर पर आ गए जी, थर्ड पर असिस्टेंट कमिश्नर और सबसे लास्ट नंबर में आपने वाणिज्य कर जी। आप फिजिकली फिट हैं बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपको डिप्टी एसपी का भी रिस्क में एक प्रेफरेंस देना चाहिए था, वही ना सर? क्योंकि आपकी हाइट वाइज भी ठीक है और यू आर कीपिंग योरसेल्फ इन शेप वन। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। व्यक्तिगत रूप से सर मैं डिप्टी एसपी पद को उतना अच्छा नहीं पसंद करता जितना बाकी के पदों को, और दूसरी चीज़ मेरा जो खुद का अपना टेस्ट है और टेम्परामेंट है वो मुझे लगता है वो मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं। वो जो पहली लाइन आपकी है जिसको आपने कहा मैं पसंद नहीं करता, ये मैंने आपको पहले बताया था कि इस सब को इस लाइन को निकाल दीजिए जी, मैं पसंद नहीं करता हटाइए, आप सिर्फ यही कहिए मेरा टेस्ट और टेम्परामेंट जो है इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं, पसंद नहीं है वो दूसरी चीज़ आ जाती है। चलिए बताइए आपकी, अगर मान लीजिए आप सब डिवीज़न में स्टेट कहीं के हो जाते हैं जी, पहली पोस्टिंग आपकी होगी तो एस टी में बनेंगे जो आपकी लाइफ का फील्ड में है, वो सब डिवीज़न में दो इम्पॉर्टेंट किंग पिन होते हैं, एक एस टी एंड डिप्टी एस पी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो। अगर आपकी किसी बात को जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्टी एस पी नहीं मानता है, जैसे आप कहते हैं वहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं और आप थोड़ा सा उसको समझिए, तो वो दूसरे पार्टी से मिल गया है जिनको आप जो प्रशासन में अवरोध पैदा कर रहे हैं, और वो कहता है नहीं साहब आप ठीक नहीं बता रहे हैं, और जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो ठीक लोग हैं और आपको पता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जी, ऐसी स्थिति में पहला स्टेप आपको क्या है एज एस टी? सर जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ वो आपका प्रश्न है कि मैं किसी फील्ड या सेक्टर को पसंद नहीं कर रहा हूँ और इस क्षेत्र को DYSP साहब पसंद कर रहे हैं और थोड़ा सा मतभेद हो गया इस तरह का, तो सर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि मैं DYSP साहब को कन्विंस करूँ अपनी बातों पर और उनको ये समझाने का प्रयास करूँ कि नहीं वो इस लेवल, वो बात इस लेवल पर है कि ये पानी द वाटर हैज बीन फ्लोन ओवर द हेड, जैसे आप के रोड के बीच की जो रिफ्ट है उस लेवल की होगी कि आप कोई बात कर रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं वो, अगर आप कहते हैं कि भाई आप पुलिस फोर्स भेज के वो कब्जा छुटवाइए और वो तमाम उस गाँव के लोग हमारे पास आ रहे हैं जी, और लेकिन वो दूसरी पार्टी से मिला हुआ है जिस पार्टी का कब्जा है जी, तो कहते नहीं साहब वो ठीक है और उस पार्टी को मौका दे रहा है कि आप कोर्ट में चले जाओ इस बीच में जी, अंडर दीज प्रिवेलिंग सिचुएशन व्हाट फर्स्ट एक्शन यू विल डू एज एस टीम? सर मुझे लगता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती हैं, उसकी तत्कालीन परिस्थितियां किस तरह हैं, मैं सबसे पहले ये जानने का प्रयास करूंगा। तत्कालीन परिस्थितियां यही है जो आपको बता रहा है, मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया आपके सामने, एक स्केच तैयार किया है, स्केच ये है कि एक गाँव में कब्जे हैं जी, और आजकल जैसा कि आपको पता है आप अवेयर भी होंगे जी, आजमगढ़ ज़िले के हैं, हर गाँव में कब्जा है, जो मतलब तालाब हैं पोखरे हैं तमाम लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा हुआ है, अपना मकान बना लिया है, खलिहान बना लिया है, घेर लिया है, और हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि सब कब्जे छुड़वाए जाए जी, ठीक है, पोखरों को आबाद कराया जाए और जो भी है जी, एज ए SDM आपको ये भूमिका निभानी है जी, और किसी गांव में आप चाह रहे हैं, आप मौके पर जाके आपने देखा और मौके पर आपको ये मिला है कि ये नाजायज़ कब्जा हो रहा है जी, और जो लोग हैं वो दबंग हैं, आपने डिप्टी एसपी को बुलाया और कहा कि इसको इमीडिएट इसको खाली कराइए और कब्जा छुड़वाइए और इसको एज इट इज करके मुझे शासन को रिपोर्ट भेजिए, वो जो है इग्नोर कर रहा है उस पार्टी को कह रहा है कि तुम जाके हाई कोर्ट से स्टे ले आओ जी, ताकि SDM साहब कुछ नहीं कर पाए जी। बिल्कुल मैं समझ गया सर, ऐसी स्थिति में जो भी बिल्कुल इसको समझने में आपने देर लगाया, तुरंत समझना चाहिए, चलिए आगे बताइए जी। इसके लिए सर मैं समझ नहीं पाया, ऐसी स्थिति में सर जब DYSP साहब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और मेरे कन्विंस को नहीं समझ पाएंगे, तो सर मैं जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, बिल्कुल जो विधिक होगा और जो संवैधानिक होगा और जो रेवेन्यू कोड में मेंशन होगा सर, मैं उसके अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करूंगा सर।
एज एस डी एम, चूँकि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं आई थिंक, जी सर मैं एडीओ कोऑपरेटिव, हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर स्थिति ये आ गई है जी, इफ द सिचुएशन हैज कम टू दिस पॉइंट जी, तो आपकी पहली ड्यूटी ये बनती है कि आप अपने सीनियर अफसर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको इंटीमेट करें इमीडिएटली जी, आप विधिक, फिर तो आपका पर्पज जी फिट हो गया है, क्योंकि वो तो इमीडिएट उस पार्टी को भेज रहा है जी, कि आप जाकर हाईकोर्ट सिस्टम ले आओ जी, और आप जो है विधिक कार्रवाई फाइल देखने में कि हम उसको पता करेंगे और नियम, वो नियम का जब तक आप नियम वो करेंगे तब तक तो वो सब काम हो जाएगा, हो गया, किसी वकील को 20,000 रुपये देगा और तुरंत स्टेल जाकर पकड़ा देगा, दूसरे दिन का गाली ले गया, देन वॉट यू इमीडिएट, अगर आपको कोई एक्शन लेना है और आपको ये पता लग रहा है कि आपका जो डिप्टी एसपी है इज नॉट सपोर्टिंग यू, तो इमीडिएटली यू शुड आस्क द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट अंडर दिस क्रिमिनल सिचुएशन प्लीज डायरेक्ट मी एंड आस्क टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट दिस शुड बी वैकेटेड एट द लीस्ट पॉसिबल, अदरवाइज द नेक्स्ट मैन इज वेरी मच एडमेंट टू गो टू द कोर्ट एंड गेट द ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट जी, ठीक, ये इसका ये जवाब है जी सर, जिले के आदमी हो तो सर जवाब भी उनको साथ साथ बताना है तुमको जी, तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ एक और बताइए, आप डिफेंस आपने लिया हुआ है जी, आप भारत से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जी वो कितना लंबा है भारत से लगा हुआ, क्या डिस्टेंस है उसका, लेंथ क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर? सर इंटरनेशनल बॉर्डर्स भारत के कई क्षेत्रों में लगे हुए हैं, आप इंटरनेशनल बॉर्डर का बताइए जो आप जानते हैं, कई क्षेत्रों में तो सब मिला के ही होगा ना जी सर, तो सब क्लब करेंगे तभी ना सर, इस संदर्भ में क्षमा करें क्योंकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट फील, हाँ नहीं कोई कोई बात नहीं, अच्छा तटीय रेखा कोस्टल लाइन का पता है आपको जी, हाँ उसकी क्या है सर, सर मैं बिल्कुल श्योर नहीं, कोई बात नहीं, वो आपका श्योर हो नहीं श्योर होना इसलिए भी वो है कि आपने डिफेंस स्टडी जो है वो राष्ट्र में चलते पिकअप किया है, क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया चीज़ है, इसको खाने में स्वाद आएगा और स्वाद आया भी आपको बहुत अच्छा है। एक और चीज़ बताइए आपको जी, एक अभी हाल में जी 2+2 एग्रीमेंट हुआ है जी, 2+2 जी, भारत और यूएसए की, क्या है ये? अच्छा एक और चीज बताओ, ये जो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है जी, इस डिमोनेटाइजेशन से आपको क्या लगता है कि इज इट अ वाइज स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट और इज इट अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट? सर जो विमुद्रीकरण हुआ है भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा, सर व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे इसका समीक्षात्मक रूप से कहा जाए कि समीक्षा करने को, तो मैं इसको एक औसत कामयाबी मानूंगा, औसत सफलता मानूंगा, क्योंकि सर जो एक्सपेक्टेड था, जो आशा की गई थी, उस अनुरूप वो कलेक्शन हो नहीं पाया, और मतलब जो ब्लैक मनी का जो मोदी जी की अपनी थॉट थी कि इतने पैसे नहीं जमा होंगे और ये सब बच जाएगा, उस हिसाब से उस अनुरूप उस अनुसार नहीं मिल पाया, तो एक औसत सफलता कही जा सकती है सर, पूरी तरह फेल भी नहीं कह सकते और पूर्णतः सफल भी नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब इसको आप आंशिक मानते, पार्शियल, हाँ आंशिक कह सकते हैं आंशिक। अच्छा ये बताइए, जब आपने इतना आपने कहा कि गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन आपने इसका वर्ड यूज किया है, तो ये बड़ा डीप एनालिसिस को कहते हैं जी, ये वर्ड आपने यूज किया ना कि गहन वो करने के बाद ये जिसने, तो जब आपने गहन इसका अध्ययन किया होगा तो आपको ये भी लगा होगा कि इसमें कमियां क्या थी, क्यों ये सफल नहीं हुआ? सर विमुद्रीकरण के अगर असफलता के दो तीन, दो ही कारण बताइए, तीन की जो दो ही में हम काम चला लेंगे। सर मुझे सबसे बड़ी कमी जो लगी वो जो बैंकों का रोल था सर, हमारे यहाँ जो बैंक हैं, वेरी ट्रू बिल्कुल, उनके जो जो फोकल रीजन वो यही है, जो बैंकों का रोल लगा वो बहुत जैसे ड्यूबियस होना ठीक है। हाँ सर, और दूसरा कारण ये लगा सर कि जो जो बड़े बड़े ब्लैक मनी होल्डर्स थे जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी पड़ा था, उन्होंने अपने पैसों को इस तरह से कई जगहों पर लगा के सेल कंपनीज दिया कि वो इतना सफल नहीं हो पाया सर। एक इसमें मैं ऐड करूंगा एक चीज़ और, जो जिसको नंबर एक पर लाना चाहिए था जी, वैसे जो पहले नंबर पर आपने दिया दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई गिव इट एट सीरियल नंबर 1,
माय प्रायोरिटीज, जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी, अगर आप उसको गहन अध्ययन आप करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे, यू विल फाइंड दैट यू विल केम टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज नो होमवर्क, जो अच्छा होमवर्क नहीं हुआ था ये डिमोनेटाइजेशन के बारे में। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में होमवर्क करेंगे तो जो उसके लूपहोल्स होंगे उस पर आपकी नज़र होगी। जी, आपने होमवर्क नहीं किया, आपने काम शुरू कर दिया। जी, तो क्या था कि बैंक वालों को तो मौका मिल गया, मोदी साहब ये कहते रह गए कि हमने कैमरा लगा रखा है, कहने से तो जी बात नहीं बनती। बिल्कुल, तो इट वॉज ए लैक ऑफ होमवर्क पहला। दूसरा, जो आपका बैंकिंग सेक्टर था जी, उसका जो एटीट्यूड था वो कोऑपरेटिव नहीं था। जी, उन्होंने बिल्कुल, मतलब मैं उस वर्ड को इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स नॉट ए प्रॉपर प्लेस, लेकिन उनका जो अनसपोर्टिव एटीट्यूड था जी, उसकी वजह से इट इज नाइदर फेलियर नाइदर इट वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, और तीसरी चीज़, एक सवाल आप बहुत मुझे बताइए कि हिंदुस्तान का पर डे का खर्चा कितना है सरकारी? जी, सरकारी खर्चा कितना है पर डे का? सर मुझे फिगर नहीं पता, सॉरी सर, थोड़ा पढ़ना इसको। ये 198 करोड़ डॉलर है। अच्छा सर, पर डे का जी एक्सपेंडिचर जी। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ आप बताओ जी, कोई दो तीन ऐसी चीज़ें बताओ जो सोशल सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में जिसने इंडिया को बड़ा बूम किया हो पूरी दुनिया में, जिसकी बड़ी चर्चा हो दुनिया में कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने बड़ी वो बड़े ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, जब दो दो चीज़ बताओ मुझे हाल। सर, हेल्थ सेक्टर में अभी करंट में योजना आयुष्मान भारत आई है जिसने पूरे वर्ल्ड में भारत की वेरी ट्रू। और सर दूसरी योजना हम मनरेगा कह सकते हैं, श्रम क्षेत्र में मनरेगा की जो कामयाबी है। थोड़ा सा तुम और करीब जाओ, हम जिले के आदमी हो, तुमको करीब तक ले जाना पड़ रहा है मुझे, तो और करीब रहो, मनरेगा छोड़ो, कुछ और बताओ। सर जो भारत की अभी रिसेंट 3-4 साल की जो विदेश नीति है इसको मैंने तुम्हारे सवाल को समझो, मैंने सोशल सेक्टर की बात की, विदेश नीति सोशल सेक्टर। हाँ सर, मैं कन्फ्यूज हो गया सर, सर सोशल इसी से तो बाहर निकालना है, कन्फ्यूज नहीं होने देना। चलो जी, सोशल सेक्टर में सर स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान को ले सकते हैं, और सामाजिक क्षेत्र में हम सर मोदी जी की पिछले 2-3 साल पहले, सर मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, 2-3 पेंशन स्कीम्स आई थी जो कि अच्छी स्कीम थी। देखो एक चीज़ होता है, जब आप किसी मतलब सोशल सर्विस की या अपने देश को एक किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट करने की ज़रूरत है तो उसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं जी। ये जो स्कीम्स हैं जी वो किसी की भी हों, अगर वो सोसाइटी के द लार्जर इंटरेस्ट हैं तो दे आर बेनिफिशियल, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे इनकी हो, कोई भी दैट लार्जर इंटरेस्ट। जी, एक स्कीम है उसको मैं तुमको जल्दी बता दूँ ताकि, वो है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जी, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 2/3 आबादी को सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज दिया जाना है। करेक्ट, मनरेगा ये स्कीम जी, लेकिन एज फार एज प्रोग्राम इस तरह से मैंने कार्यक्रम कहा आपको, और कार्यक्रम में एक ये जो आपने बताया है जी, और दूसरा ये जी। हेल्थ सेक्टर में आपको क्या लगता है, जैसे बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने किया है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इतने इतना अच्छा काम तो मैं समझता हूँ शायद ही किसी ने कभी किया हो, आपको हेल्थ सेक्टर में क्या लगता है भारत की क्या स्थिति है? सर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की स्थिति हम बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं वो उसका बहुत लैक है सर, बहुत कमियां हैं। जैसे हमारे यहाँ सर जो कुछ आप ये बता पाएंगे कि स्वास्थ्य पर हमारा देश कितना खर्च करता है, कुछ अंदाजा है? नहीं सर, मुझे एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर फिगर नहीं पता। GDP का 1% से ज़्यादा ही है, 1.3% GDP का 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है, और सिंगापुर जो है एक देश है तो मैं समझता हूँ सिंगापुर भी 2 point something करता है मैं समझता हूँ। आप ये बताइए कोई ऐसा स्टेट है अपने देश में जो मतलब उतना खर्च करता है जी उस पर हेल्थ सेक्टर पर जितना केंद्र सरकार पूरे देश को खर्च करती है? सर मैं नहीं बता पाऊँगा, सॉरी सर। ये केरला है, रिमेंबर इट जी, 2000 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार का है जी, और 2000 करोड़ रुपये का बजट जो है केरला का है जी अपने स्टेट के लिए जी।
तो इट इज अ वंडरफुल अचीवमेंट मेड बाय केरला गवर्नमेंट एंड वी शुड अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट दैट कीप इट इन योर माइंड। अच्छा एक ये चीज़ आप बताइए मुझे कि ये तो पुलिस का एसडीएम का हो गया आपसे जी, एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं आपके लिए हम जी। मान लीजिए आप कहीं एसडीएम हैं जी और आप जा रहे हैं और अचानक पता लगता है कि मॉब लिंचिंग हो रही है जी। आप हैं और चूंकि एसडीएम जब कहीं जाता है तो उसके पास कोई गनमैन नहीं होता, अगर आपने देखा होगा तो एक उसका वो होता है टर्बन बांधा हुआ मिलता है जो उनका आपका अर्दली एच जी। और फॉर्चुनेटली आपके सेल की बैटरी भी डाउन हो गई है, यू आर नॉट इन पोजिशन टू मेक एनी कॉन्टेक्ट विद एनीवन जी। और मॉब लिंचिंग हो रही है और आपको इतनी दूरी पर ही है कि आपको सब दिख रहा है, पीछे से भी मॉब आ रही है और आगे आपको दिख रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में कैसे क्या करेंगे आप? सर ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने एक स्थिति बता दी कि मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ मोड पे आ गया है, मतलब तो बैटरी बैटरी लो है यार, तो सर मैं सबसे पहले तो प्रयास करूँगा कि तात्कालिक रूप से तो मुझे वहाँ से हटना होगा सर, क्योंकि तात्कालिक रूप से मैंने ये क्योंकि सर आपको तो मुझे अभी इसका हटेंगे क्या नहीं, आप हटेंगे, एक बात बताइए, मैंने आपको ये कहा कि सामने से माप कर रही है और आप रास्ते पर हैं और पीछे से माप आ रही है और आपकी गाड़ी पर सब डिविजन में स्टेट लिखा हुआ है, सबको पता है क्या कस्टियम है, आप भागेंगे कहाँ? भागेंगे तो आपको जुर्मा डालेंगे सर। जैसे मॉब लिंचिंग में तो कोई किसी को कोई आपका दोस्त थोड़ी है, वहाँ तो सब आप बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे तात्कालिक रूप से सर तत्काल में चूंकि मेरे साथ फोर्स भी नहीं है और मैं अपने आप नहीं, वैसे, प्रोटेक्ट भी नहीं वैसे, कर वैसे क्या आप ये आप जो जो सिचुएशन मैंने क्रिएट किया है उसमें आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई और आप प्रोटेक्ट करने की स्थिति में नहीं, तो क्या आपका जो कदम है जी वो ठीक है? सर मैं पहले ये प्रयास करूंगा कि तत्काल वहां से अपने आप को सब पहले तो अपने आप को बचाऊं सर, मैं सर, पहले अपने आप को बचाऊं, वो बिल्कुल ठीक सर, मैं स्वयं बचूंगा तभी मैं बिल्कुल सही बात है इसको नहीं बिल्कुल ठीक बात है समाधान कर पाऊंगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले खुद बचना जरूरी है, पब्लिक के बचाव की बात तो सोच लिया है सर, जैसे कि स्थितियां, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको मतलब थोड़ा सा समअप करना चाहूंगा, हमेशा एक सिविल सर्वेंट को जी एक सीएनजी नंबर मिलता है जी, राइट? हाँ सर। और एक पर्सनल नंबर आपको अपने पास, हमेशा दो मोबाइल आपके पास जरूर होना चाहिए, इन केस यू फेल टू गेट इट यूज द सेकंड वन जी, क्योंकि आपके पास क्योंकि उसका जो इमीडिएट आपका इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस एंड यू विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इमीडिएट आपका जवाब ये बनेगा कि साहब जो दूसरा फ़ोन है मैं हमेशा दो फोन रखूँगा अल्टरनेट जी, कि अगर वो कहीं बैटरी उसकी डाउन होती है तो आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली इमीडिएटली जी, ठीक है? बिल्कुल। तो अब आप लोग पूछते हैं, हमने तो दो सिचुएशन क्रिएट कर दी भाई जी, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, आपने हॉबी में लिखा है जी सर, खेलते हैं देखते हैं सर दोनों करते हैं सर, जानकारी रखते हैं? हाँ सर जानकारी रखते हैं। अच्छी बताइए अंतर, मैंने विश्व क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले पहला खिलाड़ी कौन था? सर विश्व क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के हर्षल गेट्स ने लगाए थे सर, मैंने विश्व क्रिकेट में बोला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूछा आपसे, विश्व क्रिकेट में सॉरी सर ये तो मुझे नहीं आता। ट्रिमर गेम क्या होती है पता है? ट्रिमर बॉल? नहीं सर नहीं सुना मैंने। आप खेलते हैं क्रिकेट? जी खेलता हूँ। बल्लेबाजी या गेंदबाजी करते हैं? सर दोनों कर लेते हैं। गेंद का वजन कितना होता है, कितना औंस होता है? सर जो क्रिकेट गेंद होती है हम लोग जिससे क्या है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं वो टेनिस गेंद है? ये मुझे अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सॉरी सर। अच्छा अच्छा दोनों पिच में दोनों यार्ड की लंबाई कितनी होती है? दोनों छोटे लंबाई सर 22 गज। एक गज कितने बराबर होता है, कितना मैंने होता है इंच? नहीं पता सॉरी। ठीक है आप एक सोशल वर्क भी पेपर है जी, आप सामुदायिक समाजकार और सामाजिक क्रिया में क्या अंतर देखते हैं? सामुदायिक समाजकार जी, समाजकार कितनी प्रणालियाँ हैं आपके यहाँ? 6 प्रणालियाँ जी।
तो उसमें प्रत्यक्ष प्रणाली में एक सामुदायिक समाज कर है और एक सामाजिक क्रिया है, दोनों में क्या अंतर संबंध है? सर दो तीन आधार पर अंतर कर सकते हैं। जैसे सामुदायिक जो समाज कार्य है उसका जो अगला स्टेप है वो सामाजिक क्रिया हो सकता है सर। जैसे कि आप जानते हैं कि अंदाजन बता रहे हैं? नहीं सर, मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसे सामुदायिक समूह से समुदाय बनता है, और जब वह समुदाय कई समुदाय मिल जाते हैं सर, और वह जब किसी अपने डिमांड के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आंदोलित होकर इस तरह से कोई कार्य करते हैं, मूवमेंट होता है सर, तो वो सामाजिक क्रिया होता है सर। तो सामुदायिक संगठन में, सामुदायिक समाज कार्य में एक छोटे स्तर पर, छोटे क्षेत्र में, किसी गाँव में या कुछ ऐसा हो सकता है सर, जहाँ पे जनता जो है वहाँ समाज कार्यकर्ता जो है उनको अवेयर करे, जागरूक करे, और वो अपने मांग के लिए इस तरह से कार्य करे। और सामाजिक अन्ना हजारे जी के द्वारा जी लोकपाल विधेयक के द्वारा जो आंदोलन किया गया जी जी, क्या सामाजिक क्रिया में रखेंगे? हाँ सर, मैं उसको सामाजिक क्रिया में रखूंगा। कैसे? क्योंकि सर उसमें कई समुदाय के लोग आए, इकट्ठा हुए, और पूरा देश जाना, पूरा देश इसके लिए समूह और समुदाय दोनों को मिला दे रहे हैं, जबकि समूह के लिए सामुदायिक क्या है, समूह समाज का अलग है जी, और समुदाय के लिए सामुदायिक समाज का अलग है जी, है ना जी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सामुदायिक समाज कार्य और सामाजिक क्रिया इन दोनों में दो मुख्य अंतर है जो वो जानना चाहिए। सर एक तो प्रॉपर क्षेत्र का अंतर है सर। सामुदायिक समाज क्रिया में एक निश्चित क्षेत्र, एक हम उसको कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र का कोई यहाँ मतलब नहीं है। और अच्छा सॉरी सर, दूसरा अंतर मुझे ये लगता है कि अरे सामुदायिक समाज का कोई एग्जांपल दे बताइए तो हमको। किसी गांव का उदाहरण है, किसी गांव में मरीन बस्ती है, समाज कार्यकर्ता वहाँ के लोगों को अवेयर करे स्वयं से, या तो उसको शहरी इलाके में मान लीजिए सांप्रदायिकता है जी, वो भी तो एक सामुदायिक समस्या है जी। हाँ सर, तो सामुदायिक समाज का और सामाजिक क्रिया। चलिए समाज का शोध पढ़ा होगा आपने, शोध की कौन सी विधि जो है सबसे त्वरित विधि मानी जाती है? सर अभी रिकॉर्डिंग सॉरी। सर पूछिए। नीति आयोग ने भी एक हाल ही में रिपोर्ट दी है जी, रिपोर्ट का नाम जानते हैं आप? नहीं सर सॉरी। फिल्म कोई देखी है आपने हाल फिलहाल? हाँ सर, कल फोन पे ही देखी थी। अच्छा, कौन सी? सर एक पुरानी फिल्म देख रहे थे सर, लगान। लगान, लगान के निर्देशक का क्या नाम है? लगान में जो कृषि समस्या उठाई गई है जी, उसमें और आज की जो किसानों की समस्या है जी, उसमें कोई समानता अंतर देखते हैं? सर वही इरिगेशन की प्रॉब्लम है सर, सिंचाई की प्रॉब्लम उस समय भी थी, आज भी है। और दूसरा हाँ, ये बेसिक अंतर मुझे नजर आता है उस उनके परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। जल की समस्या उसमें भी थी, सिंचाई की समस्या आज भी है सर जी। और लगान की समस्या? लगान की समस्या सर उस समय औपनिवेशिक काल था सर, तो उस समय का जो भू राजस्व संकलन था, एकत्रीकरण था, वो दूसरे सिस्टम पे था। अभी वर्तमान में बिल्कुल अलग हो गया है सर, भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया है, तो अभी बिल्कुल अलग है, तो हम इस चीज़ को सर कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, जो एग्रेरियन क्राइसिस है उसमें पॉलिसी के लेवल पे दो तीन कोई चीज़ आप बताना चाहेंगे कि जिससे मतलब एक दूरगामी समाधान हो सके? कौन सी पॉलिसी में? जो कृषि संकट है इस समय एग्रेरियन जी, हाँ उसमें कोई दो तीन ऐसा बिंदु बताना चाहेंगे जिससे हम दूरवर्ती एक समाधान खोज सकें? तो सर मैं समस्या बताऊँ? समाधान बताइए। समाधान में सर कृषि की समस्याओं का समाधान, तो सर कृषि में जो आधारभूत कमियां हैं सबसे पहले तो उसको कम करना चाहिए, जैसे उत्तम बीज, पानी की व्यवस्था और उर्वरक की व्यवस्था, इन तरह की।
और दूसरी चीज़ किसानों को एक अच्छी बेहतरीन MSP मिलनी चाहिए सर, उनके उपज के हिसाब से उनको MSP मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ जूतों का आकार सर इधर उधर छोटे मोटे हैं, इनको देखना चाहिए। चौथी चीज़ सर, हम सहकारी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं और जैविक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं सर, तो ये चीज़ें कृषि में अनवरत सुधार ला सकती हैं सर। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या थी सर? अभी जैसे बेसिक्स प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी संकट के या किसी जो समस्या है उसमें किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे मूल कारण क्या है? किसानों को अपनी उपज का जी दाम, जब उपज ज्यादा होती बंपर उत्पादन होने पे दाम नीचे गिर जाते हैं जी, कारण क्या? सर इस विषय पे मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? सर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के संपादक कौन है? सर श्री संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, तो अखबारों में क्या विचारधारा के आधार पर भी विभाजन होता है? अखबारों में विचारधारा में सर थोड़ा सा स्लाइड कह सकते हैं सर, कि थोड़ा आंशिक रूप से कह सकते हैं कि या फिर हो सकता है सर लोगों की मानसिकता बन गई हो, मेंटलिटी बन गई हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आंशिक रूप से न्यूज़पेपर पे विचारकों का तो असर होता है सर, थोड़ा सा पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होकर थोड़ा सा। दैनिक जागरण जो है किस विचारधारा से प्रभावित है सर? मुझे लगता है वो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित है। राष्ट्रवादी तो सब है, राष्ट्रवाद तो एक ऐसी विचारधारा है जिसको जिसके बाद कुछ बसता ही नहीं, अगर नेशनलिज्म है किसी में तो फिर डाइवर्ट होने का तो कहीं कोई थोड़ा सा आंशिक रूप से कह सकते हैं सर कि वो थोड़ा सा एनडीए मान्य है सर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है सर। एसडीएम बनने के लिए 5 ऐसे गुण कौन से होने चाहिए जो अपने आप में आप पाते हैं सर? SDM बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुझे गुण लगता है कर्तव्यनिष्ठता का, जो मुझे लगता है मेरे अंदर है, कार्य के प्रति जो समर्पण। तो कोई गुण नहीं है तो जरूरी चीज है, जिम्मेदार आदमी को अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। और सर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तीसरी चीज सर मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी है वो है लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट को लोकतंत्र में जरूर, डेमोक्रेसी में उसको पूर्ण आस्था होनी चाहिए, उसको बिल्कुल लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। चौथी थी जो एक बेहतर समन्वय करता हो, एक जो ब्यूरोक्रेट हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वो जनता तक किस तरह से पहुंचाए और जनता उस चीज़ को समझे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर। और सर उसके अंदर लीडरशिप की भी क्षमता होनी चाहिए, वो नेतृत्व की क्षमता कर सके, तो ये 3-4 बेहद ज़रूरी गुण है सर किसी भी एक नौकरशाह के लिए। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता को आप किस नंबर पर रखते हैं? और आपने ये कहा कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपने किसी भी आदमी को जो सबसे बड़ा डकैत है या बेईमान है कभी किसी आदमी को किसी इंटरव्यू में या किसी के सामने बात करते तो आपने कहते सुना कि मैं ईमानदार नहीं हूँ किसी आदमी को सुना आज तक? सर साक्षात्कार लेने का अवसर तो मुझे नहीं। नहीं, साक्षात्कार नहीं, इन जनरल जैसे आप पब्लिक डोमेन बारे में बताने, पब्लिक डोमेन में कोई भी आदमी चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई, कभी किसी को आपने सुना कि स्टेज पर खड़ा होकर कहता हूँ मैं बेईमान? किसी को किसी को नहीं सुना, इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं। किसी भी आदमी का नाम आप बताइए जिसको आप जानते हैं कि 100% बेईमान है लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसने ये कहा मैं बेईमान, 1% भी कहा वो ये कहता मैं ईमानदार जी बिल्कुल। तो ये जो ईमानदारी वाला जो एक टैग जिसकी बात आप कर रहे हैं जी, ये मैं समझता हूँ कि द टाइम विल टेल, ये भविष्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए। टाइम विल प्रूव वेदर यू आर ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, इट इज़ नॉट आवर परसेप्शन, रिमेंबर इट। इसलिए जब भी कभी आप ये बात कहिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो कीप इट इन द बैक पॉकेट, ऑनेस्टी आपके दिल में होनी चाहिए, वो तो समय बताएगा कि आप ऑनेस्ट हैं कि नहीं। लेट द टाइम कम, आपको जब थैली दी जाएगी तब देखा जाएगा कि आप ईमानदार हैं कि नहीं। अच्छा, एक सबसे लास्ट में क्वेश्चन, क्योंकि आप रेडियो हैं
एडीओ के पद पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है, पूरा सवाल समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन के आधार पर यूनियन गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, बहुत पैसा खर्च किया, क्या है बहुत हाईलाइट किया उसको, टीवी पे भी, न्यूज़पेपर पे भी। सर स्वच्छ भारत में सर SBM शौचालय सर शौचालय जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया था सर मुझे नहीं पता। उस डायरेक्शन ये था कि पूरे देश में मैनुअल एक्सकैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए जी, हाथ से ही मल की सफाई होती है, ये नहीं होना चाहिए जी। इसी पर आपके जो यूनियन गवर्नमेंट ने ये शौचालय की व्यवस्था की है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आधी समस्याओं की जड़ हमारी सफाई से ही जुड़ी हुई है। तो चूँकि आप इससे जुड़े हुए हैं और आपके ये परव्यू में आता है, तो इस पर भी आप थोड़ा नज़र रखिए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है और इसकी किस तरह की वो जो हायरार्की है, किस तरह को पैसा आता है और कहाँ जाता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से कंप्लेंट भी आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, आपको पता ही होगा थोड़ा सा कि पैसा कैसे साइफन हो रहा है, पर थोड़ा नज़र रखिएगा ताकि अगर कोई चीज़ पूछी जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। यू मेंटेन ए गुड कॉमन सेंस और थोड़ा सा, और क्योंकि कहीं भी जो है एक वर्ड है, अरविंद घोष ने अपनी फिलासफी में लिखा है मैनेज ए पॉसिबिलिटी, तो हमेशा कितना भी हम पढ़ लें लिख लें लेकिन हमेशा ये संभावना अपने को इम्प्रूव करने की बनी रहती है, तो आप अपने को इम्प्रूव करने की खूब बढ़िया कोशिश करें ताकि आपका जो मिशन नंबर वन है STM बनने का पूरा हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपने भी मैंने सर ने जब प्रश्न किया आपसे है ना, आपने शब्द में यूज किया DYSP, इसको डिप्टी SP बोलना ज़्यादा उचित होगा, कोई अगर डॉक्टर है तो क्या बोलेगा DR? नहीं सर, तो फिर वही डिप्टी SP के लिए आप DY हो ना, तो DY दरअसल क्या एक प्रचलन चल पड़ा है, कुछ लोगों के मुँह से सुना और आप भी उसी तरह से बोल रहे हैं, DSP बोला जाता है, डिप्टी SP बोली तो DYSP अच्छा। कबीर जी जरा ये बताइएगा हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? सर डॉल्फिन। डॉल्फिन, और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है सर? ये मुझे भी याद नहीं, पटना में बना, पटना यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखिएगा। ये डॉल्फिन में भी कौन से डॉल्फिन? ये मुझे नहीं, गंगा डॉल्फिन। अच्छा, कहाँ पाई जाती है सर? गंगा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 जो हम बना रहे हैं गंगा पर ही जी, और इसी पर इसकी संख्या भी ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में जिसे हमने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हम उसी को जान देने पर तुल जाए? क्या ये व्यापार ज़्यादा जरूरी है या उसके लिए संरक्षण भी जरूरी है साथ साथ? सर बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों जरूरी है सर, व्यापार भी जरूरी है और हमारे जलीय जीव का संरक्षण भी जरूरी है। गवर्नमेंट को इस दिशा में कार्य करना चाहिए और इस तरह से जलीय मार्ग का निर्माण करना चाहिए जिनसे वो इंटरप्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। OPEC की अभी बैठक होनी है जनवरी, कहाँ पर? सर कम नहीं, वियना। अच्छा, ऑस्ट्रिया। किस देश ने अभी कहा है कि जो है वो OPEC से बाहर हो रहा है? सर इस बारे में नहीं पता। कतर ने कहा, कतर ने उसे मना किया है और रेट हाइक जो हो रहे हैं उसी को लेकर चल रहा है और प्रोडक्शन को लेकर चल रहा है कि हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे और उस लेवल से बाहर जाएंगे, तो कतर बाहर आ रहा है उसमें से। अच्छा, अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके तो कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान या गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कम लगता है, यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के अंदर डालें तब गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा या ज्यादा होगा? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मुझे मैं एलिबरेट नहीं कर पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, मान लीजिए अभी चर्चा का विषय रहा था न्यूज में थर्ड पोल, तृतीय ध्रुव जो हिमालयी रेंज है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद विश्व में सबसे अधिक जो बर्फ जो है वो हिमालयी रेंज में पाई जाती है और जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है, तो जो बर्फ पिघलने के बाद समुद्र तल बढ़ेगा और नॉर्थ पोल पर भी जो हम देख रहे हैं बर्फ पिघल रही है, समुद्र तल बढ़ रहा है, तो किस क्षेत्र के देश पहले डूबेंगे, विषुवत रेखीय या
ग्रीनलैंड ले लें या अमेरिका का कोई जो है क्षेत्र ले लें, कौन सा पहले होगा? सर समुद्र तल बढ़ेगा तो जो समुद्र तल के तटीय देश हैं सबसे ज़्यादा तो वही प्रभावित होंगे। तो सर आपने जो दो विकल्प विकल्प बताए विषुवत रेखी और एक ऊपर ग्रीनलैंड के आसपास का, मेरे हिसाब से सर विषुवत रेखा ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। ऊपर क्यों नहीं? सर ऊपर भी डिस्टर्ब होगा लेकिन अपेक्षाकृत दोनों में अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो विषुवत रेखा ज़्यादा डिस्टर्ब होगा वो उसके आसपास के देश। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से विषुवत रेखा वाले वैलिड होंगे, ऊपर वाले बाद में। ठीक है, थैंक यू।